मुसलमानों का वोट लेती है सपा बसपा कांग्रेस और सिर्फ वोट लेने का ही काम करते हैं, उनको हक हिस्सा देने का काम नहीं करते। एक पहला प्रमाण। दूसरा, जो पिछड़ी जाति के नाम पर वोट समाजवादी पार्टी लेती है तो एक जाति का काम करती है, सिर्फ अकेले अपनी कम्युनिटी का यादव का काम करती है। बड़े पैमाने पर चाहे पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम सेवक हो, चाहे कानून को हो, चाहे एसडीएम हो, भर्ती बड़े पैमाने पर अपनी कौम को करता है। जैसे 86 एसडीएम में 56 यादव हुआ, सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने खुलेआम इस बात को कहा, तो ये क्या दिखता है? और लोगों में योग्यताएं नहीं है तो जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी बांटने का काम करती है, उनको गुमराह करने का काम करती है। और कभी उसके दिमाग में ये नहीं आया, जब वो हाई कोर्ट की बात को नहीं माना कि हाई कोर्ट ने कहा था 3 सितंबर 2013 को कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए। आज भी रोहिणी आयोग, देश के प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई, उस पर जांच समिति बनी, जांच समिति ने भी रिपोर्ट अपनी सौंप दी है पीएम राष्ट्रपति को। अब वो लागू होने की तैयारी हो रही है। एक बार भी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, रोहिणी आयोग पर एक बार भी इनकी जबान नहीं खुलती, चाहे उनका टीवी डिबेट पर उनके प्रवक्ता जा रहे हो, चाहे उनके राष्ट्रीय नेता हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, किसी की जबान कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए, इस पर वो नहीं बोलते हैं। तो ये साफ जाहिर है कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो बात, उनकी बात में दम है। वो इसी नाते कह रहे हैं कि अपनी कौम के प्रति वफादार हैं, वो मुसलमानों के दुश्मन है, हक हिस्सा दिलाने के लिए उनके नफरत पैदा किए हुए मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ, और उनके अलावा इससे कुछ नहीं है।